गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की माला सेली डूंगरी भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दान पत्र में डाला लिफाफा चर्चा में है। ये लिफाफा उन्होंने 11/11 प्राकट्य दिवस 28 जनवरी को मोदी दर्शन करने आए थे, उसी दिन मंदिर के दान पत्र में लिफाफा डाला था, जिसके 9 महीने बाद 25 सितंबर को यह लिफाफा खोला गया, जिसको लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। मालासेरी डूंगरी के पुजारी हिमराज कोसवाल ने मीडिया के सामने लिफाफा खोलते हुए बताया कि इस लिफाफे में 21 रुपए निकले। हिमराज कोसवाल ने ये कहा कि वीडियो में जो सफेद लिफाफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला, उसी से अंदाज लगाया जा रहा है कि उसमें 21 रुपए निकले हैं। इस दान पत्र में 2 अन्य लिफाफे में भी निकले हैं, जिनमें एक में 101 और दूसरे में 2100 रुपए निकले। दान पात्र में डाले मोदी के लिफाफे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि याद है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आपका देव दरबार के 11/11 में प्राकट्य दिवस पर देव धाम भीलवाड़ा आसीन मालासेरी डूंगरी दर्शन का कार्यक्रम था, उस मौके पर तो आपने कुछ लिया नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में उपस्थित गुर्जर समाज के भाइयों से आपने और भाजपा ने वादा किया कि मैंने गुर्जर समाज को जो भी दिया है वह मंदिर की दान पेटी में डाल दिया है। धीरज गुर्जर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज दान पेटी खुलने पर खोले गए लिफाफे से जो 21 रुपए निकले हैं वो गुर्जर समाज और देश के सामने आ गए हैं। धीरज गुर्जर ने कहा कि क्या यही आपका विकास है, क्या यही आपका गुर्जर समाज को तोहफा है। देश के प्रधानमंत्री का किसी समाज को सपना दिखाकर चलना अच्छी